खरगोन टेमरा रोड स्थित जिला जेल में रविवार को खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस खेल प्रतियोगिता में जेल में बंद कैदियों ने भाग लिया। कैदियों ने बेहतर खेल प्रतिभा का जोहर दिखाया। खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का मनोबल बंदी साथ ही बढ़ाते नजर आ रहे हैं। उप अधीक्षक बीपी प्रसाद ने बताया, केंद्र जेल बड़वानी के निर्देश पर खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। रविवार को कबड्डी और वॉलीबॉल स्पर्धा रखी गई। इसमें खेल शिक्षकों के साथ लायंस क्लब पदाधिकारियों का भी सहयोग रहा। प्रतियोगिता का निर्णायक मुकाबला शनिवार को होगा, जिसमें कैरम और क्रिकेट स्पर्धा रखी जाएगी। उसी दिन विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। जेल अधीक्षक केंद्रीय जेल बड़वानी के आदेश के तहत सर्किल बड़वानी के जेलों के अंतर्गत बंदियों के बीच खेल कूद और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसके तहत कबड्डी, कुश्ती, कैरम, वॉलीबॉल, महिलाओं के लिए रंगोली, कुर्सी दौड़ प्रतियोगिता के साथ साथ बंदियों के बीच गायन, डांस आदि के प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है। इसके तहत जिला जेल खरगोन में भी बंदियों के बीच खेलकूद गतिविधियों के अंतर्गत वॉलीबॉल और कबड्डी का आज आयोजन किया गया है, जिसमें आज फाइनल, पहले प्रैक्टिस चल रही थी, अब आज फाइनल का कार्यक्रम है। इसके बाद अगले सैटरडे को क्रिकेट एवं कैरम एवं शतरंज प्रतियोगिता का फाइनल आयोजन होना है। तो इसके तहत बंदियों का एक तरह से उनका मनोरंजन भी होता है, समय अच्छा गुजरता है और बंदियों में प्रेरणा भी जगती है। ये नहीं लगता कि मैं जेल में बंद हूँ, उनको ये लगता है कि नहीं, समाज के साथ में मिला हुआ हूँ। और मैंने लायंस क्लब के सहयोग से और आदिम जाति कल्याण विभाग के सहयोग से मैंने ये प्रतियोगिता उनका सहयोग लेके आयोजित किया है, जिसके तहत उनके इंस्ट्रक्टर वगैरह आके बंदियों को प्रशिक्षित कर रहे हैं और कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। आज कबड्डी प्रतियोगिता का और वॉलीबॉल प्रतियोगिता का फाइनल आयोजन है। ये पहली बार दिखा है मतलब? जी हाँ, अभी तक तो मेरी जानकारी में यहाँ जिला जेल खरगोन में इस तरह का प्रतियोगिता बंदियों के बीच होती थी, आयोजन वॉलीबॉल वगैरह खेल चलते थे, लेकिन इस व्यापक पैमाने पर नहीं हो पा रहा था। तो इसके तहत इसके लिए हमारे केंद्रीय जेल अधीक्षक श्रीमती शेफाली तिवारी मैडम धन्यवाद की पात्र हैं, क्योंकि उनके सहयोग से ही, उनके निर्देशन में ही एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। क्या नाम लिखते हैं? विद्याभूषण प्रसाद। आपका क्या नाम? विद्याभूषण प्रसाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।